घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में अल मणिपुर छात्र संघ एमएसयू ने राहुल गांधी की प्रत्याशित मणिपुर यात्रा की पूर्व संध्या पर एक साहसिक बयान दिया है, जिसमें राज्य की असंख्य समस्याओं के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहराया गया है। एमएसयू द्वारा जारी बयान, मणिपुर द्वारा वर्तमान में जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उन्हें बनाने में कांग्रेस की कथित भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, जो वर्ष 2012 से चली आ रही है। एमएसयू के इस अप्रत्याशित कदम से मणिपुर के राजनीतिक परिदृश्य में भूचाल आ गया है और स्थानीय कांग्रेस पार्टी को बड़े पैमाने पर हार का सामना करना पड़ा है। इस बयान ने कांग्रेस पार्टी को बचाव की मुद्रा में ला दिया है। केवल समय ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं और क्या वे इस भारी नुकसान के बीच मणिपुरी जनता की नजर में अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएंगे। Congress party has a big role to play in it. And it has come to the notice of MSU that in 2012, during the Congress rule in Manipur, the state government during that time have deleted four gram panchayats, namely Kaugrulekha, Toribari, Kalapahar, and Santalabari Parishad, and one Jila Parishad constituency, namely Kanglatumbi, which were part and parcel of Imphal West district and from the Manipur Panchayati Raj system, and they were allowed to come under the Autonomous District Council of Kangkobit District.